नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे डी डी ब्लॉक ब्लॉक एलिमेंट में, में, वो हम डिस्कस करेंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग ऑफ एटोमाइजेशन पे तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट और इंथेल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो भी हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट के लिए दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर बॉइलिंग पॉइंट एंड एज वेल एज एंथेल्पी ऑफ एटोमाइजेशन तो सबसे पहले एक पॉइंट uh, सुनिए अब जब आप पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल में ये जो ब्लॉक है ये आपका डी ब्लॉक है इधर आपका एस ब्लॉक है तो जब आप एस ब्लॉक से डी ब्लॉक में जाते हैं तो आपको पता है कि एस ब्लॉक से डी ब्लॉक में जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है तो इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं कि अगर हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें मेटेलिक कैरेक्टर मतलब इसमें मेटेलिक बॉन्ड बढ़ेगा तो डी ब्लॉक का एस ब्लॉक के कंपैरिजन में मेल्टिंग पॉइंट uh, और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ठीक है अब सुनिए मेल्टिंग पॉइंट पॉइंट और अगर किसी में अनपेड इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा उतना उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होगा ठीक है अच्छा अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा इसका ये मतलब है कि उसमें ज्यादा मेटालिक बॉन्डिंग होगा और ज्यादा मेटेलिक बॉन्डिंग होने के कारण उसका मेल्टिंग पॉइंट पॉइंट और ज़्यादा होगा। जैसे जैसे आप ध्यान से जैसे अगर थ्री डी सीरीज की बात करते हैं जिंक तो है। तक तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन देखिए आपके सामने लिखा हुआ है तो और इसमें स्कैंडियम में जो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है one, two, three, और यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है फाइव क्योंकि क्रोमियम का बेसिकली आपको पता है, होता है। और फिर, जैसे जा आप से right जा रहे हैं, तो पहले इंक्रीज करता है क्रोमियम तक फिर आयरन से जिंक तक वो डिक्रीज कर रहा है देखिए और आपको एक बात अगर हम छोटा सा बताएं आपको पहले से पता है कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा

अब आप सुनिए मैग्नीज की बात करते हैं और आयरन की बात करते हैं तो मैग्नीज में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है पांच आयरन में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है चार तो अभी हमने बोला कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है तो इसका अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है जिसका मेल्टिंग पॉइंट आयरन के कंपेरिजन में ज्यादा होना चाहिए पर ऐसा नहीं होता है मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट आयरन के कंपेरिजन में कम होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैग्नीज में देखिए आपको स्टेबल हाफ स्टेबलेशन दिखने को मिल रहा है इसके कारण से मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है आइए इसको ग्राफ से भी समझते हैं जैसे इस ग्राफ को देखिए इस ग्राफ में आप देखिए मेल्टिंग पॉइंट और बेसिकली थ्री सीरीज का जो आ, एलिमेंट है वो डिनोट किया गया तो आप देखिए स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाइए स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाइए क्रोमियम में हाइएस्ट

कि हम टॉप से बॉटम जाए टॉप से बॉटम जाने का मतलब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तब क्या होगा वो सुनिए सो so, अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डाउन द ग्रुप जाने से क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है ये याद रखिएगा सो so, हम लिख सकते हैं कि आप जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं यानी थ्री डी सीरीज से फोर डी सीरीज फिर फाइव डी सीरीज तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है और इसका रीजन हम देते हैं क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है इसलिए जो मेल्टिंग पॉइंट है 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 वो भी इंक्रीज करता है, ठीक है? जैसे आप बात करिए आपको पता है जब आप सीरीज की बात करते हैं तो क्रोमियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है हाइएस्ट होता है क्यों क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम है इसलिए हाइएस्ट होता है तो आप देखिए क्रोमियम के नीचे वाले करोड़ों मोल वाले तो आप ये तीनों एक ही ग्रुप में है तो डाउन द ग्रुप बढ़ेगा यानी टंगस्टन का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट फिर मोलिवडेनम का फिर क्रोमियम का और ऐसा हम बोलते भी हैं कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो टंगस्टन का होता है और लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट याद रखिएगा एच का होता है ठीक है अच्छा एक और डिस्कशन देखिए एक डिस्कशन क्या है कि अगर आप डी ब्लॉक एलिमेंट में ये देखते हैं ये ग्रुप जिंक कैडमियम और मरकरी तो इसमें आपको पता है इसमें आपको पता है कि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा और इसको हम वॉलोटाइल मेटल्स बुलाते हैं किसको जेड एन और कैडमियम इन तीनों को हम वॉलोटाइल मेटल्स बुलाते हैं तो अगर हम एक बार क्विक रिवीजन करें क्विक रिवीजन क्या करें कि 3D सीरीज में या डी ब्लॉक एलिमेंट में बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट लेफ्ट से राइट जाइएगा नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन पहले बढ़ेगा फिर कम होगा तो मेल्टिंग पॉइंट उसके हिसाब से इस ग्राफ से हम देख सकते हैं ठीक है फिर याद रखिएगा डाउन द ग्रुप जाइएगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा उसको हम इस पॉइंट से पढ़े थे कि डाउन द ग्रुप जाने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है ड्यू टू मेटेलिक कैरेक्टर और ये ऑर्डर भी याद रखिएगा और ये याद रखिएगा एक पॉइंट